अस्पताल का हाल बेहाल, मरीज खुद ला रहे बाजार से पंखा, अस्पताल के पंखे नहीं करते काम, गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते नहीं है मरीजों को सुविधा। खबर शिवपुरी के जिला अस्पताल से है। यह हम आपको बता दें कि अस्पताल के हाल बेहाल नजर होते हुए आ रहे हैं। एक तरफ तो जिला अस्पताल में करोड़ों रुपए खर्च कर अस्पताल को तैयार किया गया, लेकिन मेडिकल वार्ड में यह हालत देखने को मिल रही है कि गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते भी अस्पताल के पंखे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ बताना होगा कि मरीजों को खुद के पैसे खर्च करके पंखे लगवाने पड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि अगर आपको किसी बीमारी के चलते जिला अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो आप खुद घर या बाजार से अपने पंखा लेकर जाइए, नहीं तो आपको गर्मी के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि आप और अधिक गर्मी से बीमार हो सकते हैं। ऐसा ही दृश्य आज जिला अस्पताल में देखने को मिला, जब भर्ती मरीज अपने घर से एवं बाजार से पंखा लेकर आए, क्योंकि उन्हें पता था कि हम अभी जितने बीमार हैं गर्मी से और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जब मरीजों ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, जिसके बाद मरीज खुद स्वयं बाजार गया और पंखा लेकर आया, और एक मरीज अपने घर से पंखा लेकर आया। वहीं एक तरफ अधिकारियों के केबिन में एसी लगे हुए हैं और अधिकारी अपनी कुर्सी पर एसी का आनंद लेते हुए बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है, आकाश लांबा। हम गमलागंज के रहने वाले हैं। यहाँ जी हम यहाँ पर 5 दिन से भर्ती हैं भैया। 5 दिन में सरकारी अस्पताल की इतनी बुरी हालत है कि छत के पंखे नहीं चलते हैं। यहाँ पर इतनी गर्म हवा दे रहे हैं और बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। घर से पंखे मंगाने पड़ रहे हैं हमको, यहाँ पर इतनी बुरी हालत है। ये पंखा मैंने जिस दिन मैं एडमिट हुआ था 12 तारीख को, उसकी शाम को ही मंगाना पड़ा मुझे, इतनी गर्मी लग रही थी। इसी कारण मेरे पेट में दर्द था, मतलब चेस्ट पेन हो रहा था मुझे, तो उसमें तो मुझे रिलीफ मिला। डॉक्टर तो ठीक है, वो अच्छे से इलाज करते हैं बहुत, लेकिन बस ये है कि यहाँ पे साफ़ सफाई सुविधा ये सब चीज़ों का सही से देख रेख नहीं है। बिजली के बोर्ड डॉक्टर या किसी अस्पताल प्रबंधक से की थी? हाँ, मैंने उनके जो आते हैं भैया, एक क्या कहते हैं, नाम नहीं पता मुझे, हैं फिर लंबे से, उनसे मैंने बोला था सर देखना कितने ये पंखे कैसे चल रहे हैं, कुछ करवा दो इनका, गर्मी लग रही है। बेचारे मैं पहले इस पिछले बेड पर था तो उस पांच पंखे की बिल्कुल हवा ही नहीं पहुंच रही थी। अब मैं इधर वाली साइड आया हूँ, खुद का पंखा लेके आया हुआ हूँ, अब जाके थोड़ी राहत मिली है। और उसमें भी कोई ये राहत नहीं है कि कुछ ज़्यादा वैसा है नहीं। मनीष मनीष कहाँ रहते हो? गांव में डोंदा। हॉस्पिटल में कब से भर्ती हुआ आप? मेरे को तीन दिन हो गया आज। क्या हो गया था? मेरे को मुँह में से खून आ रहा। कहाँ पे आप अभी पंखा लेके आए थे? कहाँ से लेके आए थे? नहीं, बाजार से लेके आया। कितने का लाए थे? 1000 रुपये का। तो यहाँ पे पंखा वगैरह लगे नहीं है क्या आपको? लगे हैं, वो कुछ चालू हैं, कुछ बंद पड़े हैं। यहाँ पे इस पलंग पे हवा नहीं आती। इसके लिए आप खुद ही बाजार से ले गए? हाँ, खुद ही बाजार। अस्पताल प्रबंधक या किसी डॉक्टर वगैरह से बात की आपने कि पंखे नहीं चल रहे हैं, गर्मी लग रही है? जी, बोले हम क्या करें,